राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। वैसे तो खाटू श्याम बाबा के भक्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनमें खासकर वैश्य मारवाड़ी जैसे व्यवसायी वर्ग अधिक संख्या में है। श्याम बाबा कौन थे, उनके जन्म और जीवन चरित्र के बारे में चलिए आज हम जानते हैं। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक है। महाभारत की एक कहानी के अनुसार बर्बरिक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया गया था, इसलिए बर्बरिक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा जी कलयुग में श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। श्याम बाबा घटोत्कच और नागकन्या मौर्वी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिम्बा बर्बरिक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरिक के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा, चलिए हम ये भी जानते हैं। बर्बरिक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माँ मौर्वी से युद्ध कला कौशल सीख कर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरिक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए थे। इसी कारणवश बर्बरिक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरिक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो 3 लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरिक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरिक अपनी माँ का आशीर्वाद लिए और उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा ये बात अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो गई है। जब बर्बरिक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। ये ब्राह्मण कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने जा रहा है, मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है। बर्बरिक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और उसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकश में आ जाएगा। अतः अगर 3 तीरों के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है, तो सब कुछ संभव है। ब्राह्मण ने बर्बरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरिक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बर्बरिक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो यह आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरिक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बर्बरिक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण से ये सुनकर विचारमग्न हो गए, क्योंकि बर्बरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे, इससे कौरव युद्ध में हराने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरिक कौरवों उसकी तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरिक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरिक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि उसे दान में बर्बरिक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरिक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरिक ने प्रार्थना की वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य देंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक बोले
कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने बर्बरी की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इस इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरिक ने अपना शीश काट कर कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींच कर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरिक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरिक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि ये सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरिक के सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरिक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान करने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरिक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते भी हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, खाटू में विराजमान हैं।